सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे इग्नू के एग्जामिनेशन में 70 प्लस स्कोर कर सकते हो इजीली। बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा लोगों से कि इग्नू के पेपर बहुत टफ होते हैं, इग्नू के पेपर को क्लियर करना बहुत टफ होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इजीली बिना बुक पढ़े हुए 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक और कम्प्लीट ध्यान से जरूर देख लीजिए। एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट। सो गाइस, चाहे आपका पेपर मैथमेटिकल्स हो या फिर न्यूमेरिकल्स, दोनों में आप आसानी से इग्नू के अंदर 70 प्लस स्कोर कर सकते हो और आसानी से अपने एग्जामिनेशन के पूरे पेपर को क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत तरीके के डर होते हैं, मैंने पढ़े नहीं है, मैंने बुक्स नहीं पढ़े, सिलेबस कंप्लीट नहीं किए, कैसे करूं मैं एग्जामिनेशन, कैसे निकालूं, पेपर बार बार फंस रहे हैं। इन सभी को लेकर के आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है, जिसके बाद इग्नू के एग्जामिनेशन देने से आपका पूरा डर ही खत्म हो जाएगा एंड आसानी से आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो, 70 प्लस मार्क्स ला सकते हो, राइट। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा ग्रेड कार्ड है, आप यहाँ पर मेरा नाम भी देख सकते हो, मैं MCA कर रही हूँ इग्नू से, फाइन। और मैंने कैसे 70 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जामिनेशन में, कभी भी मेरा बैक नहीं आया है, तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देन आफ्टर इसको आप फॉलो कर लोगे, फिर आपका भी कभी बैक नहीं आएगा और अच्छे मार्क्स से आप इग्नू के सभी एग्जामिनेशन के पेपर को क्लियर कर सकते हो। एंड मैंने अभी तक MCA के अंदर जितने पेपर दिए हैं, उसमें से दो पेपर हमने मैथ के दिए हैं, जो कि बहुत ही टफ रहा है। MCS 13 जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और MCS 33, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैथमेटिकल पेपर है, जो कि MCS 13 आप देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है एंड बहुत ही टफ हो जाता है। MCS 33 जो कि एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जो भी स्टूडेंट्स ने इस पेपर को एग्जामिनेशन दिया है तो उन्हें पता होगा कि ये पेपर कितना टफ हो जाता है। एंड मैंने इस पेपर को आसानी से क्लियर कर लिया, आप हमारे मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो इस दोनों पेपर में, फाइन। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे आपका पेपर थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो, दोनों में ही आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। सो कंप्लीट और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, राइट। एंड गाइस, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इग्नू का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, देन इस वीडियो को आप जरूर देख ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा, फाइन। एंड नेक्स्ट, आप 90% स्ट्रेटजी लास्ट 30 डेज के लिए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे एंड बात कर लेते हैं कि कैसे इग्नू के एग्जामिनेशन में आप आसानी से बिना बुक पढ़े हुए 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो एंड अपने एग्जामिनेशन के सभी पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ, फाइन। इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सभी स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप बुक नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इग्नू का बुक बहुत ज्यादा लेंथी एंड बहुत सारा बुक होता है, तो बिना बुक पढ़े हुए एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से पास कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना होगा कि किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आप प्रीवियस मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। एंड अगर आपका पेपर मैथमेटिकल होगा देन उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी, या फिर आपका पेपर थियोरेटिकल होगा उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, फाइन। बिकॉज मैंने दोनों ही पेपर के एग्जामिनेशन को इग्नू के अंदर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थियोरेटिकल पेपर के लिए, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल पेपर के लिए, फाइन, कि कैसे आप बिना बुक पढ़े हुए अपने पेपर को 70 प्लस स्कोर के साथ निकाल सकते हो एंड अच्छे मार्क्स से इग्नू के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो गाइज, आपका मार्क्स इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को कॉपी पे किस तरीके से लिखते हो, ना कि इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है, फाइन। इग्नू के अंदर आपका मार्क्स ओनली आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बेहतर आप लिखते हो, कितना अच्छा आंसर आप दे रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, मान लीजिए ये टॉपिक है, फाइन, और उनको इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में एक ही लाइन आ रहा है, दो ही लाइन आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि एक दो लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इससे ज्यादा आ नहीं रहा है। और ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में आपको लिखना होता है, एक पेज से काम नहीं चलता इग्नू में। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज 2.5 पेज लिखना होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि इस सिंगल टॉपिक पे इतना पेज को लिख सके, 2.5 पेज को, वो 2-3 लाइन को ही 2-2.5 पेज में बना करके लिखते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ दिया गया एक टॉपिक का डेफिनेशन डेटा एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो इसको डिफाइन आपको करना ही
करना है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेज कहाँ है, ये कहाँ यूज होता है, ये सब लिखते लिखते आप 2-2.5 पेज कर दो, बिकॉज थोड़ा सा लिखोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। और आपने बुक पढ़ा नहीं है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे, तभी जाकर के आपको कुछ आइडिया लग पाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आ रहा हो या फिर नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है देन आप 12th करके आए हो, ऐसा नहीं है कि आप 10th के बाद ग्रेजुएशन में आ गए हो, तो 12th में भी इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आपका साइंस का पेपर है तो, ये है MCA का पेपर, तो आप BCA करके आए हो तभी आप MCA में आए हो, तो इसके तो इससे रिलेटेड नाम जरूर आपने पहले सुन रखा है। तो इसको आपको अच्छे से डिफाइन कर देना होगा लंबा सा, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आ रहा है या फिर नहीं। आपको नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखो, 2-2.5 पेज दूसरा ही आंसर लिखो, बट ये टॉपिक उसमें रिपीट कर जाए और आपको पेज भरना होगा। ऐसा आप करते हो देन श्योरली आप करके देखना, नेक्स्ट टाइम आप कमेंट करना, आप अच्छे स्कोर के साथ इग्नू के एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। ये तो हुआ आपका थियोरेटिकल, चलिए बात करते हैं अब मैथमेटिकल के लिए। तो गाइस मैं मैथमेटिकल में आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी आपका मैथमेटिकल पेपर होता है तो उसमें आपसे थ्योरम जरूर पूछा जाता है। तो आप बैक ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिएगा एंड यहां से कंपेयर कर लीजिएगा कि किस तरीके के और कौन कौन थ्योरम पूछा जा रहा है, उसको तो आपको याद कर लेना होगा, या फिर कैसे भी आप माइंड में रखो, रट लो, समझ लो, कैसे भी रखो, तो थ्योरम आपके रिपीट कर जाएंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो मैथमेटिकल का क्वेश्चन होता है इसका टाइप भी रिपीट कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सो डैट रूट अंडर 17 इज इरेशनल नंबर, तो इसी तरीके का आपका डिजिट चेंज हो जाता है, बाकी सब यही रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा मैथमेटिकल है, कुछ डेफिनेशन भी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए ये आसानी हो जाता है क्योंकि आपने थ्योरम को देख कर आया है पहले से ही, थ्योरम पूछता ही पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपसे जो न्यूमेरिकल पूछ रहा है, मान लीजिए अगर वो आपको नहीं आ रहा है, तो मैथमेटिकल टर्म में आप उसको थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ाओ, उसका कैलकुलेशन करो, आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अगर आप छोड़ोगे देन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक को अटेम्प्ट करना है। ये आप स्टेप फॉलो कर लोगे देन आप इग्नू के एग्जामिनेशन को अच्छे से पास कर सकते हो। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए एंड जो जो मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए, देन आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।